महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि आम आदमी को महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए। तो वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने विशेष रूप से सरकार के सभी अंगों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और आम आदमी को राहत देने के लिए कहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पादक शुल्क में 8 रुपये और 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो जाएगा, तो वहीं डीजल की कीमत 7 रुपये सस्ती होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस साल पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वह 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देगा। सरकार ने बजट में 1.05 लाख रुपये की उर्वरक सब्सिडी के अलावा देश के किसानों की ओर सहायता के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्शन, आयरन, स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। इसे प्लास्टिक पैकेजिंग में लागत में कमी आएगी। वह तैयार स्टील में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार कुछ मामलों में प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क कम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।